हमारे घोड़ों के टापों ने तो ऐलान कर ही दिया है अनाज लेने का। चलो निकालो जल्दी। नहीं, ये अनाज मैं नहीं ले जाने दूंगा और हम तुम्हारा ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुझे न्याय चाहिए ना? हाँ, ये ले हमारा न्याय। ले चलो पूरा अनाज, चलो जल्दी। Thank you.
क्या हुआ? देख गौरी, डाकू ने फिर से लाशें बिछा दी। उठाओ और इनको भी जला दो शमशान में। एक एक करके सबकी चूड़ियां टूटेंगी, पर जला देना सारे गांव को। अरे मैं तो औरत जात हूं, तुम्हारी कलाई में शक्ति कोई नहीं, लेकिन तुम लोग तो मर्द हो ना। इस गांव में कोई मर्द नहीं, मुश्किल है। तो राजा साहब आ गए, हमारे परिवार। देखिए राजा साहब, डाकुओं ने कन्हैया और गंगू को मार डाला। अनाज भी उठा कर ले गए। आपन रहता है, आप ही के सहारे ये सब लोग जिंदा हैं। चलो चलो जल्दी करो। अरे वो स्टेशन से निकालो नहीं। नमस्ते राजा साहब। आपको फुर्सत मिल गई इस गांव में आने के लिए? राजा साहब बड़ी माधवपुर गया था। बड़े शर्म की बात है दरोगा जी कि दिन दहाड़े डाकू लोग यहाँ आते हैं, कत्ल करते हैं, लूट करते हैं और बड़े आराम से सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। चलो चलो जल्दी करो। और उसके बाद सब कुछ तबाह होने के बाद आपको फुर्सत मिलती है यहाँ आने के लिए? राजा साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि गांव के लोगों के लिए पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हमारा भी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। अरे क्या, तो एक भेड़ा थाना बहुत दूर है। चलो चलो जल्दी करो। और दूसरे गाँव वाले वो डाकू का सामना नहीं करते, वो सामना करे तो हमें भी थोड़ा टाइम मिले। नहीं भेड़ा क्या हो रहा है वो? नहीं दरोगा जी का भी ठीक है, आप लोग डाकुओं से लड़ते क्यों नहीं, उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते? हर लूट के बाद मैं थोड़ी बहुत मदद देता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, कितने दिन तक ये चलेगा? आखिर आप लोगों को अपने जाने माल की खुद रक्षा करनी चाहिए, समझे? ध्यान रखो। ए, कंबल बांट दो। भैया भैया, गांव में फिर से डाकू आए थे और गांव लूटने के साथ साथ कन्हैया और गंगू को भी मार डाला। मुझे क्या लेना देना, कोई जिए या मरे। कैसी बात करता है तू बेटा, क्या ये गांव वाले अपने नहीं है? आपके ये गांव वाले माँ की मौत के वक्त कहाँ मर गए थे? आपकी बीमारी के वक्त ये सब क्यों पराए हो गए थे? अगर राजा साहब उस वक्त हमारी मदद नहीं करते तो सोचो हमारा क्या हाल होता। अरे मैं तो मुर्दारों का ये गांव छोड़कर कब का चला गया होता, सिर्फ राजा साहब के कामों ने मुझे रोक लिया। पर ऐसे काम से क्या फायदा जिसके लिए दिन रात तुझे गांव से बाहर रहना पड़ता है? क्योंकि ये गांव सरहद के बिल्कुल करीब है और राजा साहब चाहते हैं कि आसपास के इलाकों में कोई भी गलत काम ना होने पाए। तुझे जान से नहीं मारा है, सिर्फ बेहोश किया है। ए 420 कौन है बे? ए तू तो साली 840 लगती है रे। तू मेरा होने वाला दूल्हा? क्या बोली? सहरा बांध कर नहीं आया तो क्या हुआ? घोड़े पर तो आया है, कल बारात भी लेकर आएगा और मेरी डोली लेकर जाएगा। क्यों? अरे घबरा मत यार, मेरी शादी के बाद अपने आसपास बकरियां ही बकरियां होंगी और बच्चे ही बच्चे होंगे, बच्चे तेरे मेरे और बकरियां गांव वालों की। क्यों? ए, बकरी चोर, तुझे बकरियां चोरी करते हुए शर्म नहीं आती क्या? अरे यार बकरियां तो आती है ना, शर्म आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? ए बोलना, तू मुझसे शादी करेगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? शादी और तुझसे? हट हट हट। ए ए गंगा गंगा, नहीं गाइस गंगा, मेरे घोड़े के साथ नहीं गंगा गंगा। ये क्या कर दिया मेरे घोड़े को तूने? अभी तो सिर्फ तेरे घोड़े को गिराया है, ज्यादा बकबक की ना तो तुझे भी गिरा दूंगी। ए चुप, बेटर बेटर मत कर। आधे घंटे की छुट्टी कर दी ना तूने, अब राजा साहब के पास कैसे पहुंचूंगा? सूरज, हमारा इलाका सरहद के बहुत नजदीक है, इसलिए तुम्हें गांव पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर कोई अनजान अजनबी मिल जाए तो उसे उठाकर गांव के बाहर फेंक दो। कहीं उस मास्टर की तरह गैर कानूनी हथियारों का कारोबार करने वाला पैदा हो गया ना तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, समझे? राजा साहब आप बेफिक्र रहिए, मेरे होते इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। गुड, देखो इस बैग में बहुत कीमती और जरूरी सामान है, इन्हें किसी भी हालत में शाम तक मीनारगंज पहुंचाना है। जी ठीक है।
गांव वालों सुनो, लीला को भालू उठा ले गया। गांव वालों सुनो, क्या हुआ? लीला को भालू उठा ले गया। भालू? भालू उठा ले गया? क्या हुआ बेटी? भालू आया था? तू तो ठीक है ना? अरे नहीं, मन ने तो लागे है, ये सारी हरकत उस धर्मात्मा राजा साहब की है। जब से तेरा बापू गायब हुआ है तू हर बुराई राजा के नाम पर डालती है। पंडित जी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, जब भुगतोगे तब पता चलेगा। गौरी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? तू यहाँ बैठ के जड़ी बूटी पीस, तने पता है गांव में क्या होया? अरे गांव में कुछ भी हो गौरी, मैं तो ये जड़ी बूटी पीस कर बेहोशी की दवा बनाती हूँ, समझी? अरे वहाँ गांव में भालू घुसाया था। भालू घुसाया था? तब तो जरूर किसी लड़की को उठाकर ले गया होगा। हमारा घर तो गांव के करीब नहीं, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तुझे क्यों पता चलेगा? गांव में डाकू और भालुओं ने जीना हराम कर रखा है। पता नहीं इस गांव की किस्मत में क्या लिखा है। लगता है अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। से किसी को भागते हुए देखा है? बोलता क्यों नहीं? ये खतरनाक कैदी भागा हुआ है। इससे क्या पूछता है? ये तो गूंगा बहरा है। अरे जरा इसके तांगे की तलाशी लो, देखो कहीं इसमें तो नहीं छिपा हुआ। इसके सामान को भी अच्छी तरह से चेक करो। कुछ नहीं है इसमें भी? कुछ नहीं है, ठीक है, इसे जाने दो। निकलाओ, कोई खतरा नहीं है। ए बड़ा क्या एक्टिंग की है, पहले नौटंकी में काम करता था क्या?
नहीं बेटे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए ये गूंगे और बहरे का स्वांग रचाया मैंने। अपन ने घाट घाट का पानी पिया, आज के जमाने में बिना किसी मतलब कि कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई मतलब तो जरूर होगा। हाँ बेटे, कोई बिना कारण के कुछ नहीं करता। एक बात बोलूं, अपन खाने पीने वाला फक्कड़ आदमी है, अपन से कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी थैंक यू, राम राम। कौन हो तुम लोग? अरे एक कड़क चाय। ये साले रामी कौन थे? माँ के दीने इतनी बुरी तरह से मारा आपको? कोई दुश्मन ही होंगे बेटा। अरे ओ, हाँ जी। ये चार पर ठीक कर। जी। बैठ बाबा, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ शाबाश, जा गर्म गर्म दूध लेके आ। और देख हाँ जी। घी हो तो दो चम्मच घी डाल के लाना। अभी लाया जी। ये लीजिए साहब। बाबा थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा ताकत आ जाएगी, थोड़ा दूध पी लो। क्यों बाबा, कैसा लग रहा है? कुछ ठीक लग रहा है ना? भगवान तेरा भला करे बेटा। अरे ये भगवान किसी का भला नहीं करता बाबा, आपने मुझे वो खाकी वर्दी वाले गवर्नमेंट वालों से बचाया, मैंने इन सिविल वाले चिट्टी वर्दी वालों से बचा लिया, हिसाब बरोबर हो गया। ताज्जुब है, एक कैदी तुम इतने लोगों के पकड़ में नहीं आया। तुम लोग शिवा को नहीं जानते, उसका जेल से बाहर रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम उसे देखते गोली मार दे सर? नहीं, उसे नहीं मारना। मुझे याद है एक बार मैं एक कैदी को सेंट्रल जेल के हवाले करने गया था, जेलर साहब से बात कर ही रहा था कि एक हंगामा खड़ा हो गया। हाट! हाट! अरे जाने हाट! 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 ये खतरनाक कैदी जेलर साहब के बच्चे को अपना मोहरा बनाकर सबको डरा धमका कर भागने की कोशिश कर रहा था। इतने में शिवा ने आकर अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाया और उस कैदी को मार मार कर पुलिस के हवाले कर दिया। तभी मैंने देखा कि उसके अंदर इंसानियत है। वाह शाबाश, इसीलिए मैं चाहता हूं उसके हाथों और गुनाह ना हो। शहर के सारे रास्तों पर सख्त पहरा लगा दो, सारे शराब के अड्डों और कोठों पर कड़ी नजर रखो। यस सर। ए सीधा बैठ। आ गई मेरी चंपा रानी। क्यों रे, जेल से भाग कर आया है?
अरे चंपा रानी, कल रात को ख्वाब आया कि तुम दोनों हाथ फैलाए गा रही हो। आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, और मैंने भी गाना शुरू किया। जेल की दीवारें सैया तोड़ के मैं छोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। हाय मेरी लाल परी, मेरी लाल परी किधर है? लाल परी पानी के साथ या सोडे के साथ? ना 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 ना, ना सुड्डे के साथ, ना पानी के साथ, मैं तो पीऊंगा अपनी रानी के साथ। अरे चंपा, ये लाल दारू पता नहीं तू कैसे बनाती है, किसी अड्डे पर साली ऐसी दारू नहीं मिलती। ये क्या सोती रहेगी, मैं जा रहा हूँ। सोने दो ना। सोने जाना, अरे उठना। छोड़ो ना, सोने दो मुझे। ठीक है, अब के गए हम, फिर कब आएंगे मालूम नहीं। हाय हाय हाय, चल परदेसी वालम। अरे गया, हवा की तरह आता है, हवा की तरह चला जाता है। लेकिन बात है। अबे, मैंने कहा था ना, करजन सिंह सिर्फ गरजता नहीं है, बरसता भी है। संभाल अपने हथियार। करजन, दुनिया में ये नस्ल से हरामी, अकल से भेड़िया और शक्ल से गैंडा कहती है, और तुम इस गैंडे को मेंढा दिखलाने आए हो। एक बात और सुन लो, मैं कसाई नहीं हूं, मेरा काम है दुनिया में दहशत फैलाना, बारूद हासिल करना, बंदूकें हासिल करना, ये मेंढा नहीं। अबे गैंडा सिंह, हमारी तरह ताकत हिम्मत और मक्कारी में तुम्हारा जवाब नहीं, मगर नजर के तुम बहुत कमजोर हो। पुलिस और दूसरे लोगों की तरह तुम भी कच्चा खा गए। आजकल इस बॉर्डर के इलाके में पुलिस की सख्ती बहुत ज्यादा पड़ गई है, मगर हम भी तो पुलिस के बाप हैं, नए नए तरीके निकालते। यही सब चाहिए था ना तुझे? भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, गैंडे का पैना पिचका दिया। अरे कोई है? हाँ सरदार। हाँ, ये लो अपने हथियारों की कीमत। हाँ, कीमत का काम बड़े भैया का, ये रकम बड़े भैया को देना। भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। कुंभकर्ण लक्ष्मण की भाषा बोलता है, जाओ जाओ, चमत्कार ही चमत्कार। इस चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। इस युग में कामयाबी पाने के लिए रावण के शरीर पर राम का चेहरा लगाने से ही इस इलाके की सारी ताकतें हमारी मुट्ठी में आ गई है। इसी खुशी पर अपने गैंडे की तरफ से ये लीजिए। ये हुई ना बात। छोटे, उस मास्टर का क्या हुआ? वो चारों चारों को कहा था कि मास्टर जी को जेल से निकलते ही खत्म कर देना, लेकिन तुम लोग उसे खत्म किए बिना ही चले आए। आज वार कौन सा है? बुधवार। बुधवार, बुधवार। बस से बुधवार और बस से बिच्छू। अच्छा हुआ शनिवार नहीं है, नहीं तो सांपों के बारे में सोचना पड़ता। आज सांपों की तकदीर जोरों पे नहीं है, बिच्छू की तकदीर जोरों पे है, क्योंकि आज बुधवार है, बुधवार। राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए, भगवान के लिए क्षमा कर दीजिए, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे राजा साहब, हमारा परिवार उजड़ जाएगा राजा साहब। हाँ तो क्या बिच्छू का परिवार बच जाएगा? बिच्छू का परिवार भी तो उजड़ जाएगा ना। वाह
भैया एक बात समझ में नहीं आई, उस मामूली मास्टर के लिए आपने अपने चार आदमी क्यों मरवा दिए? वो मामूली आदमी नहीं है, बहुत मीठा जहर है। वो लगता है हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो अगर गांव वाले जानने लगे, जो मुझे देवता समझते हैं वो मुझे क्या समझेंगे? मेरे सामने झुकने वाले सर उठाने लगेंगे, और हम झुकने वालों में से नहीं हैं। हम यहाँ के राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। आइए आइए राजा साहब, ये बसरमल आप ही का इंतजार कर रहा था। चलो चलो गांव की तरफ चलो। हाँ हाँ चलिए चलो, सब लोग तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुनो गांव वालों, तुम्हारे गांव में संकट आ रहा है, संकट अकाल आ रहा है, अकाल। तुम्हारे गांव में मास्टर आ रहा है, मास्टर। हाँ मास्टर दीनानाथ, मैं दरोगा बसरमल तुम लोगों को खबरदार करने आया हूँ कि वो मास्टर दीनानाथ कहीं नजर आ जाए तो उस भेड़ा की खबर मुझे फौरन कर देना। मैंने तुम्हें सारी जरूरत की चीजें पहुंचाई है, लेकिन अगर किसी ने उस मास्टर जी को मदद करने की कोशिश की तो राजा साहब उसे कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मुजरिम को सहारा देने वाला मुजरिम ही होता है। अगर वो दोबारा गांव में आया तो गोला बारूद और बमों के साथ सारा गांव तबाह हो सकता है। अरे बाबा, अगर मास्टर जी यहाँ रहेगा तो गाँव तो जलेगा ही। और भाई मेरा चौकी इतनी दूर है कि यहाँ आते आते तो गांव राख हो जाएगा। हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। हेलो राजा साहब। चलो नमस्ते। नमस्कार। याद रखना मैंने जो कहा है। क्या बात है मास्टर, थक गया क्या? बेटा तुमने मुझे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें पुलिस से क्यों बचाया, और मैंने कहा था कि बिना कारण कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, यही है वो कारण। ये समाधि? हाँ मेरे बेटे की समाधि है। एक रात घर के बाहर कुछ फुसफुसाहट सुनकर मैं बाहर आया। ये सब क्या है बेटे, तुम लोग रातों में कहाँ भटकते रहते हो? अरे भैया ये सब क्या है? बताओ बेटे अर्जुन। माऊजी लगता है इस गांव में कोई खतरनाक साजिश कर रहा है। शिवजी के मंदिर और खंडरों से रातों में अजीब और गरीब आवाजें और साये नजर आते और अचानक गायब हो जाते, हम दोनों उसी के पीछे पड़े हुए। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं बेटा, अगर उन लोगों को पता चला तो वो तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं बेटे तुम दोनों इस झंझट में मत पड़ो, छोड़ दो ये सब। एक रात अपने बेटे के न लौटने पर जब सुबह मैं उसे ढूंढने निकला तो देखा खोलो, जल्दी से नीचे उतारो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो मर चुका है मास्टर जी। मेरी पत्नी अपने बेटे की मौत के सदमे से पागल हो गई। दीनानाथ जब तुम ही टूट जाओगे तो भाभी को कौन संभालेगा? मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी जैसे मैंने सुना मुझसे रहा नहीं गया। बड़े अफसोस की बात है कि भरी जवानी में आपके इकलौते बेटे को मौत ने आपसे छीन लिया, बहुत अफसोस की बात है। मौत ने नहीं राजा साहब, कुछ लोगों ने मेरा बेटा छीना है, और मैं उन सबसे अपने बेटे की मौत का हिसाब लेकर रहूंगा।
इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं, पुलिस ने मेरे घर से गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए। मैंने लाख सफाई देने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी एक न सुनी और मुझे 2 साल की सजा हो गई। और जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे तुम में मेरा बेटा ही नजर आया। तुम्हें बचाने का यही कारण था बेटे। कंप्यूटर से कोई पुलिस वाला आ जाएगा। मैं चल नहीं सकता बेटे, इसलिए ढोल बजाकर गांव वालों को खबर कर रहा हूं कि मैं आ चुका हूं। मैं बहुत थक गया हूं बेटे, अब तुम बजाओ। आओ लो बेटे। मास्टर, ओ मास्टर, ले गांव वाले आ गए तेरे। कहाँ है? पाप नहीं, मेरा नाश्ता है ये। नहीं बेटे, अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? कौन सा अधिकार, क्या जिंदगी, पेट खाली है, भूख लगी है मुझे। नहीं बेटे, जल्दी है। ऐसे भेड़ियों को मारना कोई पाप नहीं। अगर तुमने भी उसका रास्ता अपना दिया तो तुम्हें और उसमें फर्क क्या रहेगा? ये साला था कौन? इसने गोली क्यों चलाई तुम पर? तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, दुनिया का भला करते करते चल दिया। मैंने उस हरामजादे मास्टर को गोली मार दी। मास्टर को गोली मार दी? बहुत अच्छा किया। लेकिन भैया, उसके साथ एक बड़ा ही ताकतवर और खतरनाक आदमी आया है। आदमी? मैं तो निकल गया, वरना वो कांटा मुझे छुप जाता था। अच्छा, उसके लिए तुम सूरज को बुलाओ। सूरज को क्यों? उसे अगर खत्म करना है तो मैं नहीं हूँ क्या? नहीं, सूरज पालतू है, वो किस दिन काम आएगा।
अब देखते हैं कि वो आदमी कितना ताकतवर है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर चलो। कोई नहीं रहा इस गांव में, हाँ? कहाँ चलेंगे सब? अरे ये देखो मास्टर मर गया। अरे किसी ने गोली मार दी से। बेटा, तू अपने अपने पिताजी को लेकर आ गया। मैं जानती थी तू अपने पिता को लेकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। जानती हूँ तू बहुत थक गया है ना, शहर से गांव का रास्ता बहुत लंबा है ना, तू इन्हें अंदर ले आ। आ बेटा, आ जा बेटा, यहाँ लिटा दे। आ, बहुत थक गए होंगे ना, सोने दे, आराम करने दे इन्हें। मास्टर सो गया, हमेशा के लिए सो गया। इसीलिए कहती हूँ इन्हें सोने दे। जा मुंह हाथ धो के आना, मैंने एक रोटी बचा के रखी है, दोनों मिलकर खा लेना। जाओ मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, जाओ। अजीब लोग हैं यहाँ, ये बेटा बेटा कर रही है, काफी गड़बड़ है। मास्टर के खूनी, जबान संभाल के बात कर। मैंने किसी का खून नहीं किया। गुनाह कोई कबूल नहीं करता, करवाना पड़ता है। देख साले खान को मेरे गले मत मार। इस गांव में एक बड़ा जहरीला पेड़ है, तेरे बेगुनाह या गुनेगार होने की गवाही सिर्फ वही दे सकता है। पकड़ लो इसे। ले चलो साले को। इतने दिनों बाद मास्टर जी लौटे हैं और तुम लोग भीड़ लगा के खड़े हो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो मेरा, निकलो। मास्टर जी अब नहीं रहे। क्या कहा? कैसी अशुभ बात करती है? मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है मेरा? मेरा बेटा कहाँ है? भाइयों, मास्टर जी की हालत ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से मास्टर जी का अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। चलो। खोली है। इस पेड़ पर डांकों का लटकाया मनुष्य 2 घंटे से ज्यादा जी ना सका और ये तो बच गया। अरे
जल्दी उतारो इसे। हाँ। अरे जल्दी उतारो भाई। खून। हाँ, मास्टर का खून है वो, जिनका कत्ल इसने किया है। अगर ये मास्टर का खूनी होता तो मास्टर को लेकर गांव में क्यों आता? मास्टर और मास्टर का बेटा डाकुओं को बंदूकें सप्लाई करते थे। बेटे के मर जाने के बाद मास्टर को एक आदमी की जरूरत थी जो डाकुओं को बंदूकें सप्लाई कर सकता था, इसलिए वो इसे शहर से ले आया। मगर जैसे ही उसने इसे बंदूकों के कारोबार के बारे में बताया, इसके मन में रुपया कमाने की लालच जागी और इसने मास्टर का खून कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया। इसी ने खून किया है, ये कसूरवार है। मगर तुम्ही ने तो कहा था कि अगर ये इस जहरीले पेड़ से बच गया तो बेकसूर है, और अगर मर गया तो गुनहगार। और ये तो बच गया भैया। मतलब ये गुनहगार नहीं है? हाँ, हाँ, ये गुनहगार नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस पेड़ ने तुझे जिंदगी दी है, लेकिन एक बात याद रख, अगर यहाँ रहकर बंदूकें सप्लाई करने की कोशिश की तो मेरे ही गोली का निशाना बनेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव में ना किसी गलत आदमी को आने दूंगा और ना ही कोई गलत काम होने दूंगा, समझा? चलो हटो। अरे खोलो खोलो इनको, जल्दी लेकर चलो मंदिर की तरफ। कोई पानी लाओ। मैं पानी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। हटो हटो जल्दी उठो। हाँ, पानी, ये लो पानी पी लो। अरे ये छुरी, अरे ये छुरी किसने चलाई? अरे ये वार किसने किया? कौन है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। गांव वालों, मुझे तो ये साधारण मनुष्य नहीं लगता है, मुझे तो ये भगवान का अवतार लगता है, कोई महात्मा देवता लगता है। चलो पैर पड़ो। साले ने दारू की बोतल पंक्चर कर दी। ठीक है शिवा, कुछ दिन इन भक्तों के गांव में छुपे रहो, पुलिस से भी यही बचाएंगे। क्या शिवजी की मूर्ति से खून निकल आया? हाँ भैया। करजन, ये कोई मामूली आदमी नहीं लगता, मुझे तो बहुत बड़ा बहरूपिया दिखाई दे रहा है। दीदी, सारा गांव ने देवता जी क्यों कहा? अरे तुझको नहीं पता? नहीं। उन पे हुआ वार भगवान शिव जी ने अपने सीने पे झेलकर उनको जीवन दान दे दिया। और कितने दिनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी ना? नहीं। उनके आते ही गांव में बारिश शुरू हो गई। सब उसे देवता मानते हैं, समझा? हाँ। बैठ, मैं आती हूँ। दिया कहाँ रखा है? मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, मास्टर जो तेरे साथ इस गांव के लिए चल पड़ा, वो तो लुढ़क गया और मेरे लुढ़कने के भी पूरे इंतजाम कर गए, पता नहीं कब बारी आ जाए। अरे वाह भगवान, बड़े ठिकाने पे बैठे हो, यहाँ पेट में कुछ नहीं है, कोई इंतजाम है तेरे पास? देवता जी, मैं तारे लिए हमारे घर से रोटी लेकर आई हूँ। अरे लाना, मन ने बड़े जोर की भूख लगी है। हे भगवान, आप तो हमारी भाषा भी जानो हो, तब तो तने ये भी पता होगा कि हमारी जात बहुत छोटी है। इतनी छोटी जात के घर की रोटी खाओगे? अरे लाना, छोटी जात की, यहाँ भूख से दम निकला जा रहा है। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव ना मानो,
बिल्कुल ना मानो। अरे सुनो, मैं कोई देवता बेवसा नहीं हूँ। क्या बात बोले हो, उस जहरीले पेड़ पे 2 घंटा से ज्यादा कोई न जिए है। तुझे तो सवेरे तक ना सांप ने डसा, ना बिच्छू ने काटा, ना तुझे जहर चढ़ा। देखो, मन्ने सारे जमाने का जहर पी लिया है। अब सांप मन्ने काटे वो मर जाए, बिच्छू मन्ने काटे वो मर जाए। यूं समझ ले कि मेरे शरीर में खून कम जहर ज्यादा है। हाँ देवता जी, शिव जी ने भी सारे जमाने का जहर पी लिया था। मैंने कथा में सुना था, ना जहर शिव जी पे चढ़ा, ना दुनिया का कोई जहर तुझ पे चढ़ सके। आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे घर की रोटी खाके तने तो मैंने सबरी बना दिया है, जिसके हाथ से राम ने बेर खाए थे। मैं कोई राम वाम नहीं हूँ। तो जानना चाहती है मैं कौन? मैं जेल से भागा हुआ एक खतरनाक मुजरिम हूँ। अपना काम निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे सुनिए देवता जी, तने हमारे साथ मजाक करे हो देवता जी, झूठ बोल रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तने। नहीं नहीं आ रहा। आ गया यकीन के एक और हाँ। हे भगवान, क्या सोचा, क्या निकला? जो भी है, मानुष बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? अरे पहले ही मुलाकात में कोई ऐसा करे है क्या? देवता जी बनकर तो बहुत कुछ कर सकता था। मैंने धोखा हुआ है। अगर वो धोखेबाज होता तो तन्ने अपनी असलियत क्यों बताता? वो जेल से भागा एक कैदी है। मगर आदमी बुरा राजा साहब है, और तू ये कैदी के सहारे राजा साहब से लड़ने की हिम्मत कर सके है। थारी बात में तो दम है। अब आई बात समझ में? इसे देवता बनाए रखूं? हाँ। ये लो शिवा की तस्वीरें जी, हर थाने पे बांट दो जी, और उन्हें सख्त ताकीद कर दो कि सारे काम छोड़ के इसकी तलाश में लग जाए। जी सर। यू कैन गो नाउ। जी सर। वाह, मैं जज है हमको न जाए कहीं। अरे बाप रे, मेंढा की जगह ये कहाँ गया? चल हट। अब क्या होगा, ये तो पुलिस वाला है, भाग चलते हैं। ये तो देवता जी की तस्वीर है। यहाँ भाग कर आया था कि चैन से रह सकूंगा। अंधों की नगरी में काना साधु, और जो मिलता है देवता जी, देवता जी, देवता जी। हाँ जी, आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र, आप ही को याद कर रहा था। देवता जी, आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी? मैं? देखो भाई, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये तुम लोग नहीं जानते। जो लोग भगवान के नजदीक रहते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। मैं गाँव से चलकर आया हूँ। अच्छा, बड़ी फुर्सत में हो भाई। मेरे बच्चे के सर पर हाथ फेर दीजिए। अरे भाई, इसके सर पे हाथ फेराने से इसको लड्डू नहीं लगने लगेंगे, वो ही रहेगा जो इसको लगा हुआ है। देवता जी, 2 दिन से बच्चे का बुखार नहीं उतरा। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिलाते रहो जी। और थोड़ा बच्चे की माँ को भी खिलाना, थोड़ा तुम भी खाना, बच्चा ठीक हो जाएगा। जाओ। आप धन्य, आप महान हैं। मेरे विश्राम का समय हो गया, आप लोग भी विश्राम कीजिए, जाइए। वाह 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 वाह, ओए रब्बा, आओ सुंदरी, तेरा कष्ट हम जरूर मिटाएंगे। आओ। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पुलिस वालों में भी मशहूर हैं। आप हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं? हाँ। तो ठीक है, जाओ गांव वालों से कह दो हम कौन हैं। गांव वालों से ही क्यों, पुलिस वालों से भी कह दो कि हम पापी हैं, पाखंडी हैं।
नहीं नहीं महाराज, ऐसा कहकर मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आई थी कि गांव वालों को तो छोड़िए, पुलिस के दिल में भी आपके लिए इतनी श्रद्धा है कि वो आपकी तस्वीर अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। हमारी तस्वीर पुलिस की जेब में? हाँ, इस वक्त मेरे पास है। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। अरे ये तस्वीर तो वो बेलापुर के थानेदार ने हमसे ली थी। हम वहां से पधार रहे थे, कहने लगे प्रभु अपनी कोई तस्वीर देते जाओ। हमने कहा बच्चा रख लो तस्वीर। तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें क्या कष्ट है बच्ची? वो सूरज है ना, वो मुझे बिल्कुल घास नहीं डालता है। घास नहीं डालता? तनिक थाली ऊपर उठाओ। केला खेल बच्ची, केला खा लेना कन्या। आज के बाद वो घास ही नहीं, तुम्हें फल फ्रूट मेवे सब खिलाएगा। धन्य हो महाराज, जाओ धन्य हो। जाओ बच्ची, जल्दी जाओ। इन पुलिस वालों का मैं गुमशुदा बच्चा हूँ। लगता है देवता जी का आशीर्वाद फलने वाला है। ए बकरी चोर, फिर से तू सामने आ गई, आखिर तू चाहती क्या है? हा? मैं सारी दुनिया की मेंढे और भेड़ बकरियों की मालिक बनना चाहती हूँ। तो तू ये धंधा नहीं छोड़ेगी? तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, अपने चोरी के धंधे की कसम। तो फिर छोड़ दे। पहले हाथ पकड़ो। चल, तेरा हाथ भी पकड़ लिया। छोड़ दिया? हाँ, ये आजा। साली बकरी चोर, चल वे।
यहाँ ऐसे बैठेगा तो मर जाएगा। मर गया था मैं तो। मर गया था तो यहाँ कैसे आया? मालूम नहीं। बताता हूँ, अभी होश आया आधे घंटे बाद। मैं शहर कोतवाली से आया हूँ। शहर कोतवाली से आया? हाँ। तो फिर यहाँ कैसे बैठा है? हाँ। खड़ा होता है कि नहीं? होता है। होता है? हाँ। तो फिर हो जाओ। हाँ। तुम सीधे खड़े रहो, सांस लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हे भगवान, अब ये पांचवी फोटो नहीं मिलेगी तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। फोटो कहाँ से लाऊं? फोटो लो, ये पानी पियो। हाँ, ये फोटो और ऑर्डर साइन कर दो। हाँ जी। गांव में एक आदमी आया हुआ है, गांव के लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। कहते हैं भगवान शिवजी ने उसे अपना खून देकर बचा लिया। आपको थोड़ी सी छानबीन करनी है। अरे दारोगा, बसरमल के लिए कौन सी बड़ी बात है? हम अपनी तरफ से छानबीन करेगा। उस भेड़ा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं दारोगा हूँ। थैंक यू। कोई भी नहीं मेरा नाम धक्का मारता है। माफ कीजिए दारोगा जी, जानता है मैं कौन हूँ? दारोगा, दारोगा बसरमल, दारोगा बसरमल को धक्का मारता। गोली है। गोली, गोली लगता है? बच्चों की गोली लगता है? दिखाओ तेरी कांचा। कांचा को गोली बोलता है तू? बताओ बताओ गोली क्या होती है भेड़ा? बताओ, दारोगा बसरमल को डरा दिया। चलो बैठे। इस गांव में बड़ा देवता आया है। वो किधर है? वो पुराने मंदिर के उधर है। पुराने मंदिर के उधर? देखूंगा भेड़ा को, पहले उसे सबक सिखाऊंगा, फिर मैं बसरमल शादी करूंगा। हाँ, हाँ। दीदी दीदी, वो दरोगा जी है ना? हाँ। वो देवता जी के पास जावे। दरोगा? अयो, हमसे भागना इतना आसान नहीं है जी। दारोगा, हमारे पीछे पड़े हो वर्दी बदल बदल के। पहचान लिया? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। हम अपनी बोतल की तीसरी आंख से सूंघकर बता देते हैं कि इस वक्त तुम मद्रासी भूषा में हो। मान गए। तुम पंजाबी में भी आ जाओ तो भी हम पकड़ लेंगे आपको। मान गए, मान गए। आप कुछ हैं, वो गधा है। वो 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 तो गधा है ही, और वो भी गधे हैं। अय्यो, ये वो कौन? वो जो हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारी तो शादी होने वाली है। अरे, ये भी आपको पता है? और तुम कुत्ते की तरह हमारे पीछे भटक रहे हो।
ऐसा ना हो सितारे बदल जाएं और तुम कंवारे रह जाओ। नहीं नहीं, अब कहे वो करने के लिए तैयार हूँ, आप उपाय बताइए बस। उपाय? हाँ। बताएंगे, उपाय भी बताना पड़ेगा। उल्लो हाँ? कहीं से चुल्लू भर पानी लाओ। चुल्लू भर पानी? हाँ, हाँ? वो देखो वो, अब तुम कहोगे ये भी हमने रखवाया है। अब तो चमत्कार पे चमत्कार दिखा रहे हैं। अभी तो और भी दिखाएंगे छुनछने। ये लीजिए अंतर्यामी। मैरड भव फादर भव ग्रैंडफादर भव, पीजा बच्चा इसको, और इसके बाद कभी किसी साधु के पास नहीं जाना। पीजा पीजा पीजा। दरोगा भी कहता है कि वो आदमी देवता है, अंतर्ज्ञानी है। ठहरो, ये माल मंदिर में लेकर नहीं जाना। तो फिर कहाँ रखना ये माल? मंदिर में तो वो आदमी सांप की तरह कुंड मारकर बैठ गया है। मैं तो कहता हूँ उस सांप का सर कुचल देते हैं। नहीं छोटे, मुझे शक है कि हमारे इस कारोबार की खबर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, लगता है सीबीआई का आदमी है। गवर्नमेंट ने हमें फंसाने के लिए इसे चारा बना लिया है, और इसलिए ये आदमी गांव वालों के दिलों पर विश्वास का सिक्का जमा रहा है, ताकि उनके जरिए हमारे कारोबार तक पहुंच सके। इसका एक ही इलाज है, गांव वालों के दिलों से उसका विश्वास हटा दो। ठीक है, फिलहाल तुम सारा माल अपने शहर के ठिकानों पर पहुंचा दो। जाओ, अब देखता हूं वो अजनबी गांव में देवता बनकर कैसे रह सकता है। साले नौटंकी भाग गए। राजू तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? गौरी, अगर ये देवता वक्त पर नहीं आता तो तेरा भाई बेमौत मारा जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार देवता जी, नमस्कार। बहुत चर्चा सुनी है आपकी, इसलिए चर्चाओं की चादर पर ही चलता हुआ आ रहा हूँ। आप ही वो है जिनको भगवान ने अपना खून देकर बचा लिया, और क्यों ना बचाता? जो गांव वालों का खून न बहने दे, उस भगवान के अवतार पर तो शैतान का खून भी जोश खा जाएगा। वैसे आजकल के साधु संतों का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा, भगवा लिबास पहनकर दुनिया को उल्लू बनाते फिरते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल अलग। अवतार की यही सही पहचान है। गांव वालों,
ये बाबा ढोंगी नहीं है, बिल्कुल ढोंगी नहीं है। वाह 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 वाह, आज तो राजा साहब बहुत खुश हुए। अरे इस गांव की धरती की तो काया ही पलट गई। एक डाकू दुनिया को लूटने वाला और एक देवता दुनिया को बचाने वाला। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। राजा साहब जाने दो जाने दो, कभी आता है कभी चला जाता है। संकी बाबा है, संकी बाबा। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। गांव वालों, तुम्हारे जानो माल का जो भी नुकसान हुआ है मेरे महल में आकर ले जाओ। नमस्कार। शुक्रिया। सबका नुकसान पूरा करता है, मेरा भी नुकसान पूरा कर दे। किधर है मेरा बेटा? है? हाँ, मेरा बेटा लौटा दे। बहुत दिनों के बाद आश्त मिला है, दे दे मेरा बेटा, दे दे मेरा बेटा, दे दे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, दे। माँ जी आपको चोट तो नहीं लगी ना? उठिए जाइए माँ जी, आप घर जाइए। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उसे बोल मेरा बेटा लौटा दे। बेचारी। राजू माँ जी को घर ले जाओ। चलिए माँ जी। जब देखो ये पगली राजा साहब से लड़ती रहती है। अरे माँ जी पगली नहीं है, वो तुम सबको पागल बना रहा है। चुप रह गोरी, राजा साहब के खिलाफ बोलती है, जो हमें रोटी दे भी। अरे वो हमारे आंसू पोंछे, वो हमारा नुकसान भरे। देख लेना, एक दिन इतना नुकसान करेगा, इतना नुकसान करेगा कि तुम लोग सब आंसू के सैलाब में बह जाओगे। तुम लोग चाहे उसे भगवान मानो, लेकिन मन ने पता है कि वो भगवान नहीं, शैतान है, शैतान। तू तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, जा जा जा। हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ, तुम लोगों को समझाने कोई फायदा ही नहीं है। गौरी चली अपने काम पे। क्या रे पार्टनर, पब्लिक का तो तू सप्लाई मिनिस्टर है और मेरा सब सप्लाई बंद कर दिया। मैं चलता हूँ, उदास नहीं होना। अच्छा तू कहाँ जावे है? जा रहा हूँ गांव छोड़कर। ये अचानक तने क्या हो गया? ये साला गांव है कुछ ना, दारू मिलती है ना कुछ मिलता है। हर आदमी देवता जी देवता जी, मैं साला देवता लगता हूँ तुम्हें? तू दारू पिएगा? हाँ है तेरे पास? है। चल निकल। अरे मारी आंखों में देख, नशा थारी खोपड़ी में चढ़ जावेगा। थारी आंखों को देख के तो मैं टेम्परे रुक गया था, पर तेरी आंखों में वो नशा नहीं है जो मन ने चाहिए। हट। Hey!
दो मेंढों का 500 के हिसाब से 1000 रुपए निकालो। तू इतनी मेंढे कहाँ से लाती है? ये लो 1000 रुपया पूरा। ये तुम्हारा काम नहीं समझे? एक दो तीन चार थक। बॉस माल सप्लाई के लिए दो मेंढे और खरीद लिए। अरे भेड़ों को मार गोली, ये तिरछे नैनों वाली बकरी कौन है? बॉस इसी गांव में रहती है। इसी गांव में? हाँ। लेकिन पहले तो कभी देखा नहीं, कहाँ रहती है? रहती कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तालाब में नहाने जरूर जाती है बॉस। तालाब में? देख मेरे पास एक ही साड़ी है, वो सूख जाएगी तभी मैं बाहर निकलूंगी। और फिर नहीं तो निकलूंगी कैसे? अरे मेरे कपड़े तो सूख गए, तेरे कपड़े भी सूख गए होंगे। चल चल चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे कपड़े अभी तक सूखे नहीं। तो फिर तू देर से क्यों आई? चलो चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो, 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 चलो। जाओ जाओ, मैं थोड़ी डरती हूँ। अरे मेरी साड़ी। तुझे कपड़े चाहिए ना? तेरे कपड़े ये रहे मेरे पास। तू यहाँ कैसे? तेरा चाहने वाला, जल्दी से पानी से बाहर आ जा वरना पूरे पानी में आग लग जाएगी। मेरे कपड़े वापस देता है कि नहीं? तेरे कपड़े यहाँ है, तू भी ऐसे ही बाहर आ जा तो मजा आ जाएगा। एक तो लड़कियों के तालाब में आता है, ऊपर से उनके कपड़े चुराता है, तुझे शर्म नहीं आती? बहुत आती है, मगर तुझे देखकर चली जाती है। अभी जल्दी से बाहर आ जा, तेरे कपड़े ले ले। अभी बताती हूँ। अरे अब अभी जा, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ऐसे मौके पे बिना कपड़े। गर्दन! गांव की लड़कियों के साथ ये क्या कमीनापन कर रहा है? तो क्या गांव की बुढ़ियों के साथ कमीनापन करूं? चल भाग यहां से। ये शिकार तो आज है, दोनों भी होंगे तो भाग। देख गर्दन, अब भी कहता हूं सीधी तरह से चला जा। अरे हाँ, नहीं तो। तुमने शेर के मुंह से शिकार छीना है, इसका मैं ऐसा हिसाब चुकाऊंगा पूरी जिंदगी याद करेगा। हराम सौदे, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जहरीला कांटा हूं मैं, क्या करूंगा? चीर के रख दूंगा। अगर उस लड़की की तरफ देखा तो आंखें फोड़ डालूंगा। अरे हाँ, नहीं तो। अरे ये क्या हाथापाई हो रही है भैया? जानता हूँ तुम दोनों के बीच एक अनारकली आ गई है जिसकी खुशबू तुम दोनों को पसंद है, लेकिन राजा साहब को अपने घर वालों के बीच जंग पसंद नहीं है। राजा साहब, आपके भाई ने उस लड़की की इज्जत पर जबरदस्ती हाथ डालना चाहा। तुम उसके हाथ तोड़ोगे, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। मेरे हाथ तो वैसे ही टूट जाएंगे। मैं सब नहीं जानता, उस वक्त नदी पे तो मैंने तुझे छोड़ दिया, मगर अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये हाथ छोड़ो। जान तो हम सिर्फ दुश्मन की लेते हैं छोटे, और हम सब का दुश्मन है गांव में आया हुआ वो नया बाबा। हेलो शिवा, यू शिवा, आई शिवा, आर यू बिजनेस पार्टनर, आर यू पपलू टिटलू एंड निचलू? हम दोनों ही लोगों की चक्री घुमाते हैं। यू ड्रिंक भंग, आई ड्रिंक दारू, एक पैग मारो। नो help, I help you. यहां से 15 कोस दूर रेलवे स्टेशन है, 15 सेकंड के बाद अगर यहां नजर आया तो ठिकाने लगा दूंगा।
ये तेरा टिकट है गांव छोड़कर जाने का। ये बहुत नाइंसाफी है। 15 कोस दूर स्टेशन है, 15 सेकंड में यहां से गुल हो जाऊं। तुम्हारा टट्टू कोई हवाई जहाज है, गाड़ी छूट गई तो। एक टिकट और भी है उस दुनिया का, अगर नहीं माना तो वो टिकट भी कटवा दूंगा। तो क्या फिर उसी दरख्त पे टंगवा दोगे मुझे? नहीं, आपकी बार इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में मौत की कील बनाकर ठोक दूंगा। 2 गोली से काम हो जाएगा भाई, 4 क्यों खराब कर रहे हो? किसी और के लिए रख लो, मैं जाता हूं। तू मेरा वजन कैसे उठाएगा पार्टनर? मैं चलता हूं। बोल, मेरे इस गांव में रहने से क्या तकलीफ है तुम्हें? बोल, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे इसे। कौन हो तुम? मैं इस बदनसीब का बाप हूं। बाप? तो पूछा अपने बेटे से, मेरे इस गांव में रहने से इसे क्या तकलीफ है? अरे डाकू सूरज को उठा कर ले गए। ये तो गजब हो गया। मैं जानता हूं। उठिए, सूरज डाकुओं का आदमी है, डाकुओं का। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं क्या? हाँ बोल बूढ़े हाँ। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं उसे अपना दहिना हाथ समझता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ के आस्तीन में सांप निकला। तेरा बेटा डाकू है डाकू, इसलिए तो स्वामी जी पर हाथ उठाया, कमीना साला। नहीं नहीं, सूरज डाकू कैसे हो सके है? अरे इस दुनिया में कौन क्या है, क्या कोई बोल सकता है? हाँ हाँ, कौन क्या है ये तो कोई ना बोल सके है, मगर दिल में तो समझ सके है। हाँ लेकिन वैसे कसूर इस बुड्ढे का है, गांव वालों मारना है तो इस बुड्ढे को मारो। इनका क्या कसूर है? ये सूरज का बाप है, ये इसका कसूर है। पैदा करने वाला कसूरवार नहीं होता। सूरज को सजा दो ना, इन्हें क्यों? अरे बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी ने, कसूर तो सिर्फ बेटे का है, बूढ़े को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इसे। स्वामी जी मन करता है कि आपके पैर छू लूं, छू ही लेता हूं। सरदार हमने सूरज को मारकर बेहोश कर दिया है। अब ये राजा साहब का हथियार खोखला हो चुका है, और फिर इसने राजा साहब के आदमी गर्जन पर भी हाथ उठाया था, कल हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है। इसे काली मां के चरणों में चढ़ा दो। Thank you.
परवाह है। मां ये बलि शिकार करो, मुझे शक्ति दो। परो अधारो परी बलि पाए तंडलू इंदिरा दत्ती भवन्ना अथगो मांसो मीनो तीर्थ जालो करानो मुद्रा तन्नादि प्रवृत्त संस्थाय अर्थयाजीता। जय मां काली कलकत्ते वाली। सूरज सूरज आंखें खोलो सूरज, होश में आओ सूरज। हे काली मां, अब मैं क्या करूं, इसे होश में कैसे लाऊं? तीर का नशा थोड़ी देर में उतर जाएगा, अगर इन लोगों को होश आ गया तो ये लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं काली मां, क्या करूं? सूरज होश में आओ, उठो सूरज। बाबा
नहीं समझी ना। आज सवेरे कबूतरनी गुटरगूं कर रही थी, मैं समझ गया कि मेरी तकदीरी खुल गई। आगे सांप पीछे सांप, दाया बिच्छू बाया बिच्छू, और बीच में सबसे बड़ा काला बिच्छू। बता आज कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार, अरे भगवान का शुक्र है, और असली मिठास तो इसी में ही है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? गौरी मेरी बहन को भालू ले गया।
कपड़ा खून से भरा थे गया, लाश तो मिले ले। मन्ने तो लगे कुछ गड़बड़ है, भालू आदमी को चीर फाड़ के खून पीवे है, मांस नहीं खावे। सीमा का शरीर क्यों नहीं मिला? तू क्यों परेशान हो रही है? उसकी बॉडी मिल जाने से उसमें जान तो नहीं आ जाएगी? मन ने ये सोचकर थारे को गांव में रोका था कि बुरे वक्त में तू मारे और गांव वालों के काम आवेगा। ये ले, परेशान मत कर, काम आ जाएगा। थारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर शिकार करके अपना पेट भरे है, तू भी वैसा ही है। अरे इंसान बन इंसान, भगवान ने तुझे इतनी शक्ति दी है, उससे इंसान की भलाई कर। इस गांव में पहले ही शराब नहीं मिलती, ऊपर से तेरा भाषण सुनकर मेरी दारू उतर गई। मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन नहीं है, चल यहाँ से फुट। हाँ हाँ, जाती हूँ। ये मारा गांव है, मारा गांव। अगर मारे गांव की लड़कियों को बचाने में मन ने अपनी जान की बलि भी चढ़ानी पड़े तो मैं पीछे ना हटू। ठीक है, पीछे ना हटू। तुम्हारा जोश ठंडा, अब कैसे पता चलेगा कौन है और ये कैसे पता चलेगा भेड़िया कौन है जिसे भेजता है? लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस भालू की खाल में ये आदमी छिपा हुआ है? अरे ये तो अंतर्यामी है, इन्हें कैसे नहीं पता चलेगा? हां पता चलेगा, अरे भाई बिल्कुल पता चलेगा। हो गया अजय के देवता जी जा रहे हैं। अरे चलो निकल, चलो वहां पुलिस आके हम लोगों को पकड़ लेगी। चलो जल्दी चलो यहां से। शिवा आज तुम ना आता, तुम्हारे संग भी वही होता जो गांव की सारी छोरियों के साथ हुआ। हमारा राजू अनाथ हो जाता, बेसहारा हो जाता। तुमने मने एक नया जीवन दिया है, मन चाहता है कि थारे पैर छू। अरे अरे क्या, एक मिनट, पहले खुदकुशी का रास्ता पकड़े, अब पैर पकड़े। मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, कोई अनहोनी हो जाती तो गौरी मर जाती। और क्यों होता? कैसे मर जाती? हमारी लिखी हुई थी, बच गई। मैंने क्यों बचाया, किस लिए बचाया, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शिवा कल तक तो मैं बस राजू के लिए जी रही थी, मगर आज से थारे लिए भी जीऊंगी। हाँ, भालू को मारे डाला। कहीं मरने से पहले उसने आपका नाम तो नहीं बता दिया? नहीं, हमारा नाम लेने से पहले गांव वालों ने उसे मार डाला। हो भैया, अभी तक आपने बहुत नरमी से काम लिया है, अभी कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ शिवा, आज तू ना आता, तुम्हारे संग भी वही होता जो गांव की सारी छोरियों के साथ हुआ। हमारा राजू अनाथ हो जाता, बेसहारा हो जाता। तुमने मने एक नया जीवन दिया है,
बकरे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर शिकार करके अपना पेट भरे है, तू भी वैसा ही है। अरे इंसान बन इंसान। हाँ गौरी, हाँ मैं सचमुच जानवर हूं। आज तक मेरे लिए जिंदगी का मतलब शराब औरत लूटमार के सिवा कुछ था भी नहीं। इस गांव में नहीं आता तो शायद जानवर ही मर जाता। इन भोले भाले लोगों के प्यार के एहसास ने मेरी आत्मा को झिझोड़ दिया है। ऐसा लगता है गांव वाले ही मेरा परिवार है। अब इन्हीं के लिए जीऊंगा, इन्हीं के लिए मरूंगा। हां गोरी, और आज से इस लालच से तौबा करता हूं। बेटा कहां चला गया था तुझे? कहां कहां ढूंढा मैंने। मां की याद एक बार भी नहीं आई। मैं खो गया था मां, दूर चला गया था तुमसे। तू हमेशा मुझे इतना ही प्यार करेगी ना? पागल हो गया है? मां का प्यार कभी कम होता है? मैं हमेशा तुझे सीने से लगाऊंगी, दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। मां, अब तुम भी मुझसे दूर नहीं जाना, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। नहीं जाऊंगी, तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, भूख लगी होगी ना? चला मेरे साथ, आ बैठ यहाँ। जरा देखता हूँ। अरे बड़ा देवता बनकर फिरता था, अब मार मार कर तेरा भूता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी सब नहीं। मारो साले को। जाओ साले को घसीट के गांव में फेंक दो। इस लाश को यहीं फेंक दो। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को? खून काफी बह चुका है, अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है। मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगी भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दे, अच्छा बना दे, अच्छा Thank you.
रीता जी को होश आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? सारी रात बेसुध पड़े थे, थारा खून बंद ही नहीं हो रहा था। ये सब लोग रात भर यहीं बैठे रहे? जी हाँ। हाँ देवता जी, आपकी जीवन के लिए ये सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। कितने सीधे और भोले हैं यहाँ के लोग, मेरी जिंदगी का अंजाम जाने बिना मेरी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। इन्हें क्या मालूम मैं कब पुलिस की गोली का निशाना बन जाऊं। पगली भाभी तो रात यही कहकर मंदिर गई थी कि जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता तब तक भगवान के चरण नहीं छोड़ेगी। अब नहीं नहीं उठो। माँ, हे माँ, मैं ठीक हूँ। देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज इसकी माँ रात भर भगवान से बेटे की जिंदगी की दुआ मांगती रही हो, उसके बेटे को क्या हो सकता है? देख मेरी तरह, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे माँ, 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 मर गई माँ। क्या हो गया? बेचारी रात भर प्रार्थना करती रही कि भगवान मेरी जान ले लो, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। माँ क्या इतनी महान होती है? अपने बेटे की जान बचाने के लिए जान की आहुति दे देती है। मैंने तो माँ को देखा भी नहीं, लेकिन लगता है तू पिछले जन्म में मेरी माँ थी। हाँ, तू मेरी माँ थी, तू ही मेरी माँ थी। माँ, मेरी माँ। अबे हिजड़े, अगर तुझमें थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है ना, हाँ, तो जा और उस कुत्ते के पिल्ले सूरज की बहन कमली को उठाकर यहाँ ले आ। अगर उसकी बहन अपने हाथ में लग गई ना तो वो खुद ब खुद हमारे कदमों में आकर अपना नाक रगड़ेगा। नाक जा। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमीने, छोड़ दो। सूरज भैया, सूरज भैया, राजा साहब के गुंडे आपकी बहन को उठा के ले गए। क्या? बचाओ, बचाओ। अरे भाग के कहाँ जाती है रानी? वाह 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 भाई, सूरज तो बहन सूरजमुखी। ये फूल तो खास राजा साहब के लिए ही खिला है। इधर उधर मत हिलना, सांप डस लेगा, जहरीला है। मुझे हाथ मत लगाना कमीने, चली कुत्ते। हाँ मैं कुत्ता भी हूँ, नीच भी हूँ, जलील भी हूँ। क्योंकि मैं खूबसूरत जवानी को डस लेता हूँ और बाद में जंगल में फेंक देता हूँ। चल चल। कमीने, छोड़ दे मेरी बहन को। छोड़ दो? छोड़ दिया, ले जा, जा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तेरा असली रूप इतना घिनौना होगा। अरे बदजात, मैं तो तुझे एक फरिश्ता और तेरे हर हुक्म को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था, मगर तूने मेरी पीठ में खंजर घोपा। कुत्ते, तूने मेरी बहन तक को नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, हराम साले। अरे देख क्या रहे हो, बांध दो साले को। बड़ो, बड़ो, बड़ो।
भाइयों जरा कसके बांधना, अभी अपना कुत्ता नहीं रहा। पहले जरूर हमारी मेहरबानी की हड्डियां चूसता था, लेकिन अब ये सच्चाई की हड्डियां चूस रहा है, और ओ इसलिए इसको कस के बांधना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम था तू मरने के लिए जरूर यहाँ आएगा, इसलिए मैंने तेरे मौत का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मेरी बहन को हाथ लगा दो, मेरी बहन को हाथ लगा दो, मैं तेरे हाथ काटूंगा खुद से। छोड़ दे मेरी बहन को, हराम साले, छोड़ दे मेरी बहन को, कुत्ते, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे इसे। आप इस गांव के राजा हैं, और आपका काम गांव की लाचार लड़कियों की इज्जत लूटना। मैं इस गांव का अंधविश्वास बन चुका हूं, इन अंधे और लाचार लोगों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बचकर भाग गया, लेकिन इस वक्त यहां से निकल चलो। बेटी, तू ठीक तो है? मिल गया आज तुझे अपनी वफादारी का इनाम। अरे इधर क्या खड़ा है, जा जा जूठन चाट अपने राजा साहब की। चुपकाओं की बहु बेटियों की इज्जत उतारे है और गांव में दया धर्म का नाटक करे है, और तू उसकी पूजा करता है। अगर राजू हमें वक्त पर खबर नहीं देता तो मेरी बहन गांव वालों का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, और मैं जीने के काबिल नहीं रहता। सूरज, तुम आज तक कितने गलत आदमी का साथ देते रहे। गंगा, वो मेरी गलती थी, मगर बगैर मतलब के आपने आज मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं कैसा जानवर था, आपके साथ मैंने कितने बुरे सलूक किए हैं। नहीं सूरज, एहसान तो सुपर वाले ने किया है, जो तुम्हें दोस्त और दुश्मन को समझने की समझ दी है, वरना आज आंसू और पछतावे के सिवा तेरे पास कुछ नहीं होता। आज तक मैं आपका दुश्मन था, लेकिन अब आप मेरी नजरों में किसी देवता से कम नहीं। और सुना है कि देवता के पैर वही छूते हैं जो इंसान होते हैं, इसलिए आज अपने पैर छूने दीजिए, मुझे इंसान बनने दीजिए। इतना महान नहीं रहे कि देवता बनकर दुनिया वालों की जगह अपने कदमों में बना लूं। दुनिया वालों की जगह तो अब मेरे दिल में बनती जा रही है, आज तो मेरा छोटा भाई है। वाह भाई वाह वाह वाह, मैं तो सलाम करूं गांव वालों की ईमानदारी पर। मारे हिस्से का अनाज हर साल मने बराबर मिले हैं, ना एक गोनी कम ना एक गोनी ज्यादा। कई साल पहले इन्होंने मुझे चार पांच गोनी कम दिए थे,
तब मैंने 100 घर और 200 आदमियों को जला दिया था। तब से ये गांव वाले जलने मरने से डर रहे हैं। आए गांव वालों, चलो लाओ गाड़ियां इधर। रोक दो गाड़ियां यही, कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। कौन है वे तू? गांव के किसानों के खून पसीने की कमाई है, एक दाना भी नहीं जाने दूंगा। थारी तारीफ? तारीफ जानकर अपनी बहन का रिश्ता देना है मुझे? सीधी तरह चला जा, नहीं तो घोड़े समेत नीचे पटक दूंगा। मैंने तो तेरे जैसे बड़े बड़े को टेढ़ा किया है, जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे मेरी हर गोली पर मरने वाले का नाम खोदा है। अगर किसी ने गोली चलाई तो इस कुत्ते को इसी चौराहे पर दफन कर दूंगा। बाल कुत्ते, छोड़िए, हम अपना काम खुद कर लेंगे। अरे जल्दी पानी लाओ। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, छोड़ो मेरे बच्चे को। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बाकी आप मुझसे नाराज क्यों? हमारे बसे बसे घरों को जला दिया तुमने। किसने कहा था तुमसे डाकों से अनाज छीनने के लिए? ना तुम्हें उन्हें रोकते, ना हमारे घर चलते। मैंने जो कुछ किया है गांव की भलाई के लिए किया है। सारे गांव की जान जोखिम में डाल दी है तुमने। अरे मैंने गांव के फायदे की बात किया कोई? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हमें तुम जैसे देवता की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए मदद, क्या नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मदद तुम्हारी, क्या फायदे देवता हो, कुछ नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। बेटे, इनकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि यही इंसान का असली रूप है। जो पिछले किए हुए हर अच्छे काम को तो भूल जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती को याद रख लेता है। कसूर इनका नहीं भाई, कसूर इस मिट्टी का है, जिसमें भगवान ने हमें बनाते वक्त थोड़ी सी खुदगर्जी का पानी मिला दिया था। ये सब उसी का असर है। हमारा मुंह के देख रहे हो? जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। थोड़ी देर में थारा बाप आवेगा, उठाकर दे देना सारा अनाज। जिंदगी भर तक देते रहना। अरे गांव का अनाज बचाने में उसका क्या फायदा था? जवाब दो मने, अपनी जान पर खेल कर वो किसके लिए लड़े हैं? अपने लिए, हमारे लिए? अरे थारे लिए लड़े हैं, थारे गांव के लिए लड़े हैं, थारे बच्चों के लिए लड़े हैं। और Thank you.
गांव में छोड़ के चला गया रे, तन्ने मन्ने और गांव को छोड़ के चला गया। बनाकर छोटे भाई को अकेला छोड़कर जा रहे हो? कैसी बात करता है रे? छोटे भाई की जगह तो मेरे दिल में है, लेकिन गांव वालों ने मुझे दिल से निकाल दिया। मेरे यहां रहने से क्या फायदा? फायदा तो आपको मेरी बहन की इज्जत, मेरी जिंदगी और गांव वालों का अनाज बचाकर भी नहीं था। अरे पगले, अपनों के लिए कुछ करता है तो फायदे के लिए नहीं करता। याद है आपको, आपने कहा था जिस दिन कोई ठोस सबूत मिल जाएगा राजा साहब को जड़ से उखाड़ देंगे। क्या उसके खिलाफ सबूत मिल गया? हाँ शिवा। तो करो दर्शन। क्या कोई शमशेर सिंह की मूर्ति? ए गौरी, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, डाकू है ये। डाकू, ये वही डाकू है जो गांव की बहू बेटियों को उठाकर ले जावे है, अनाज लूट के ले जावे है। इसकी मूर्ति बनाने और हमको दिखाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम अपने दिल से इसकी बनी हुई विश्वास की मूर्ति तोड़ दो। तू क्या बोल रही है? ये मेरी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अब भी समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आया? राजा साहब भी यही है और डाकू भी यही है, ये एक ही आदमी के दो रूप हैं। सूरज यहां, ये सूरज जिसे राजा साहब ने डाकू को आदमी साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज इसने राजा साहब का असली चोला लाकर उसे डाकू साबित कर दिया। यही नहीं, आप लोगों के घरों को आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, यही राजा साहब थे। धोखा तुम लोगों को सिर्फ राजा साहब से ही नहीं हुआ, मुझसे भी हुआ है। मुझे पहचानने में भी आप लोगों ने भूल की है, और अपने बारे में कुछ ना बताकर मैंने भी बहुत बड़ा कसूर किया है। लेकिन ना तो मैं कोई स्वामी हूं ना देवता, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूं जिसे कानून से, समाज से नफरत ही मिलनी थी और नफरत ही मिली। दुनिया वाले मुझे नीच, हरामी, आवारा के नाम से पुकारते रहे, लेकिन इन गांव वालों ने, किसी ने मुझे बेटे का प्यार दिया, किसी ने मुझे भाई की इज्जत दी, मुझे जैसे इंसानियत के दुश्मन को आप लोगों ने देवता बना दिया, वरना मैं यूं ही जीता और यूं ही मर जाता। आप लोगों की वजह से मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे मन में एक बड़ा बोझ था जो अपने बारे में सब कुछ बताकर मैंने उतार लिया है। मैं आप लोगों का मुजरिम हूं, आप जो सजा चाहें मुझे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। गांव वालों सुन लिया तुमने, ये जेल से भागा हुआ कैदी है। सजा तो तुम्हें कानून देगी क्योंकि तुम भागी हुए कैदी हो। खबरदार जो भागने की कोशिश की है तो गिरफ्तार कर लो। चलो। भाग जा जल्दी। Thank you.
तेरी। अरे चंपाखली, यहाँ तू? यहाँ? ये यहाँ कहाँ, छोड़, दारोगा मेरे पीछे पड़ा, मुझे कहीं छुपा दे। दारोगा? ये तो उसी का घर है। हैं? क्या क्या ये तू तू? मैं उसकी बीवी हूँ। बोल, पकड़वा दू? जरा सोच के चंपाखली, अगर तू ऐसा करेगी मैं पुराने चिट्ठे खोल दूंगा, बता दूंगा सब। क्या? अरे देख, ए भगवान के लिए छुपा दे तू। किधर भजी भी हो? अरे चंपाखली, ओ मुझी प्यारी चंपाखली, अरे किथे है तू? अरे मेरी प्यारी चंपाखली, मेरी किधर है तू? मैं यहाँ नहा रही हूँ, नहा रही हूँ। अरे दरवाजा खोल के नहा रही है? सभी दरवाजा बंद करके नहाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? तू भी दरवाजा बंद करके नहा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? मैं बिना कपड़े के हूँ। अच्छा अच्छा, सुन, वो यहाँ एक कमीना बड़ा बदमाश भेड़ा आया हुआ है, तू होशियार रहना, संभल के रहना। अंदर दरवाजो बंद कर देना। हाँ, भेड़ा को ढूंढ के निकालता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंपा। शुक्रिया वुक्रिया छोड़ो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ही मारी जाऊंगी। अरे अरे, यहाँ खिड़की के रास्ते से। वो अपनी टोपी भूल गया था बेटा। वो क्या? साईं, मैं बर्बाद हो गई। अरे बेटा क्या हुआ? मेरी जवानी का सत्यानाश हो गया। अरे मगर कैसे? वो आया था। कौन? शिवा? हाँ, जब तुम आए थे ना, तब वो टब के पीछे बैठा था। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मेरे पीछे टिका दिया था। क्या टिका दिया था? इतना बड़ा सा। इतना बड़ा था? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकी। बाद में पता चला कि फर्स्ट साइज का टूथपेस्ट था। लेकिन उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ना लत हो गई। उसने मेरी बीवी का फूल सा बदन देखा। हाँ। और वो भी नहाते हुए मजे में देखा। मेरे मुंह पर 3 बार पानी छाटा था, मैं उसके मुंह पे 6 बार पानी छाटूंगा और पूरी दुनिया के सामने नंगा करके दिखाऊंगा, तभी मुंजो नालो बसरमल आ बसरमल। जान बच गई मेरी। मेरी बीवी का बदन देखा था, मेरे मुंह में पानी छिड़का था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू मर जाएगा। शिवा, शिवा, तू समझता होगा कि दरोगा बसरमल तुझे कानून के हवाले करेगा। वो वर्दी तो सरकार की पहनता है, लेकिन हुक्म हमारा मानता है, समझे? छोटे से ए चुप। अरे खाओ पियो, जश्न मनाओ। We'll be right back.
क्या हो जाए उलझन में मत खो जाए हो जाए Thank you.
उलझन में मत खो जा। राजा का आदमी बकरियों के साथ, जरूर कुछ चक्कर है। जाओ वालों, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, चेतावनी कि 2 घंटे के अंदर अगर तुमने सूरज और शिवा को घर से निकाल कर कचरे की तरह बाहर नहीं फेंका तो मैं पूरी बस्ती को आग लगा दूंगा। तुम्हारा ये बसा बसाया गांव चीखो पुकार का जलता हुआ शमशान नजर आएगा। याद रखना, मोहलत सिर्फ 2 घंटे की है। ये देखो, ये पहली चेतावनी है। राम साथे कर गए अपना काम। शिवा चलो चलकर उस तरिंदे को भून देते हैं, इससे पहले कि गांव का कोई दूसरा आदमी उसकी गोली का निशाना बने। खत्म कर देते साले। ठहरो शिवा, वो बहुत ताकतवर है, अगर तुम दोनों मारे गए तो गांव वालों का क्या होगा? इतनी आसानी से मरने वाले नहीं गौरी। फिर जितना ख्याल हमें इन गांव वालों का है, अगर इन्हें भी हमारा इतना ख्याल है तो इनसे कहो आए हमारे साथ, करें उनका मुकाबला। देखता हूं साले कैसे दिखते हमारे सामने। मर दो तो लेकिन हम सब तो बाल बच्चे वाले हैं, वो हम सबको मार डालेगा। ये बचाएंगे डाकू से गांव को? अरे इन मुट्ठी भर दरिंदों से मौत का इतना डर, मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। एक एक करके वो तुम सबको खत्म कर देगा। यही वक्त है, सब एक हो जाओ और अपने बदले के सैलाब में बहा कर ले जाओ सालों को। मरना ही है तो मरने से पहले एक एक अगर 10-10 को मारकर मरेगा तो कल तुम्हारे बच्चे के तुम्हें सीना तान कर हल चला सकेंगे। इस मौत से तो कुत्ते की मौत अच्छी है। मगर उनको मारने के लिए हमारे पास है क्या? हथियार है हमारे पास। ये देखिए देखिए, ये धंधा उस हरामजादे राजा साहब का, जानवरों की खालों में सरहद पार से आया हुआ गोला बारूद और बंदूकें सप्लाई करता है। अब समझ में आया, एक जानवर के लिए 100 रुपए के बजाय 500 रुपए क्यों देते थे? तुम्हारे बेचे हुए जानवर पर लद कर ही हमारी मौत का सामान इधर आया है। अब यही सामान उसकी मौत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संभालो ये बंदूक। अच्छा हुआ तू शहर से आ गया गर्जन। जो रुतवा मैंने गांव में जमा लिया था वो उन दोनों हरामजादों ने मिट्टी में मिला दिया। आप फिक्र मत करो भैया, मैंने सारी तैयारी कर ली है।
तो यार, उठा के ला साली को मेरे पास। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। दूसरों को लड़ने मरने दो, तेरे साथ तो मैं ऐश करूंगा। डाल दो उसको मेरे घोड़े पर। बंदूक फेंक दे वरना इसको उड़ा दूंगा, फेंक दे वरना उड़ा दूंगा। शाबाश तिरछे नैनो। उधर से गहरा ला लो, जाओ जल्दी। भागो भागो, तुम लोगों ने गंजन को मार डाला, भागो भागो। राजा साहब, इस गेंडे को क्यों याद किया? गेंडा सिंह, उन्होंने गर्जन सिंह को खत्म कर दिया, अब हमें उन्हें खत्म करना है। हुक्म कीजिए, फोन के रख दूंगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ही चोट लगा। गांव वालों, तुम लोगों को हमने पहले ही कहा था कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उन दोनों को हमारे हवाले कर दो वरना गांव को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ए गौरी, कहाँ छुपी है? सामने आ जा। दीदी मैं भी चलूंगा। दीदी गौरी बाहर आ जा, गोली मार दूंगा नहीं तो। निराश आ जा। राजू तू यहाँ बैठ। मैं भी चलूंगा दीदी। नहीं नहीं दीदी, मुझे भी नहीं। दीदी आ गई। ए गौरी, कहाँ है तेरा देवता शिवा? कहाँ है? नहीं बताएगी है? नहीं बताएगी? गांव वालों, मैं तुमसे दोबारा कहता हूं कि उन दोनों को हमारे हवाले कर दो। अपने पास कितने एम्यूनिशन है? सिर्फ आधे घंटे तक और लड़ सकते हैं। आधे घंटे तक?
ठीक है, जब तक तुम संभाल सकते हो संभालो उन्हें। वो देखो वो भाग रहा है, पीछा करो। यही कहीं होगा, ढूंढ निकालो साले को जल्दी। देखते इस पिल्ले को, फोन डालो, हाथ डालो। मैं कहा हूं साले। साले अपने आप को बहुत बड़ा हरामी समझता है, मैं तेरा भी पाप हूं। ऐसे चक्रव्यूह में खेल के लाया हूं तुम सबको। ये तो ट्रेलर है, कदम कदम पे बम बिछा रखे हैं मैंने। ढूंढ डालो साले को। निकालो अपनी भैंस, खत्म कर दो इसे। ठहरो, हट जाइए आप लोग। आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, ये कानून का मुजरिम है और कानून ही इसे सजा देगा। इंस्पेक्टर। यस सर। अरेस्ट हिम। यस सर। शिवा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे गांव की हिम्मत है। सुनिए, हमारे गांव की हिम्मत है, ये देवता है। माना शिवा ने समाज और देश के कानून के लिए बहुत बड़ा काम किया है, फिर भी इसे अपने जुर्म की सजा भुगतनी होगी। हम कुछ नहीं जानते, हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे। अरे पगले, मैं तेरे जज्बात समझता हूं। इस वक्त मुझे जाना ही होगा। गांव वालों, प्यार के जिस रिश्ते में मुझे आपने जकड़ लिया है, वो रिश्ते मैं कभी तोड़ नहीं सकता। अपनी सजा काटने के बाद
मैं वापस इसी गांव में आऊंगा। आओ। एक मिनट सर। ओके। क्या सोच रही है? शिव, तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वापस जल्दी आ जाना। मुझे अच्छा लगेगा। मैं जेल से रिहा होते ही उड़ता हो तेरे पास आऊंगा। अबे